कोरोना की तीसरी लहर पर अगर आप जल्दबाजी में राय बना रहे हैं और इसके मंद पड़ जाने से राहत भी महसूस करने लगे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि चंद रोज की गिरावट के बाद आंकड़ों ने फिर से उछाल मारना शुरू कर दिया है। रोजाना बीमारों की संख्या और कोरोना से जान गंवाने वालों की तादाद फिर से बढ़ने लगी है। 15 जनवरी को करीब 2,71,000 नए मरीज सामने आए थे, जो अगले दिन घटकर 2,58,000 हो गए। इसके अगले दिन रोजाना मामले और घटकर 2,38,000 पर आ गए, लेकिन 18 जनवरी को मरीजों की तादाद फिर से बढ़कर 2,82,000 के करीब पहुंच गई और पिछले 24 घंटे में यह आंकड़ा करीब 35,000 के उछाल के साथ 3,17,000 पर पहुंच गया। आंकड़ों का ये असर जमीन पर भी दिख रहा है। देश भर में कोरोना टेस्टिंग के नियम कायदों में कड़ाई के बावजूद टेस्ट सेंटर पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। गुजरात में कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में 20,000 को पार कर गए हैं। वैसे में आप देख सकते हैं जो टेस्टिंग के लिए अहमदाबाद में यहां पे बूथ लगाए गए हैं, वहां पे लंबी लंबी कतारें दिखनी शुरू हो चुकी है। जो तीसरी वेव है वो गुजरात के अंदर आ चुकी है। अगर अकेले अहमदाबाद की बात की जाए तो अकेले अहमदाबाद में ही 8,000 जितने कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। करीब 8 महीने बाद रोजाना कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 3,00,000 के पार पहुंचा है। इसके पहले 15 जनवरी 2021 को 3,11,000 मरीज दर्ज हुए थे। सक्रिय मरीजों की तादाद भी करीब 7.5 महीनों में सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 19,00,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज दर्ज हुए, जबकि इससे पहले 29 मई 2021 को 21,00,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज दर्ज हुए थे। जैसे कि मैंने बताया ना कि कुछ जो डेथ्स हैं वो नेचुरल कोर्स में ही डेथ होती हैं, इवन बिफोर द कोविड डेथ्स का जो कॉम्प्लिकेशन है उन लोगों में जिनको की एंड स्टेज बीमारियां हैं। अब कुछ डेथ्स ऐसे भी हैं जैसे हेड इंजरी है, ब्रेन ट्यूमर है, और उसमें यदि सेकेंडरली उसको कोविड हो गया तो क्या उसको हम अलग कैटेगरी में हम रखते हैं कि एक तो ये कि प्राइमरी सारी की वजह से, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से या कोविड की वजह से डेथ है, या दूसरी बीमारी की वजह से है डेथ और उसमें बाई चांस कोरोना पॉजिटिव है, तो ऐसी डेथ है और उनको भी हम उसमें क्लब कर रहे हैं। संसद के स्टाफ हों या सुप्रीम कोर्ट के जज, राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर हों या फिर अस्पताल या पुलिस थाने, कोरोना की तीसरी लहर से कोई भी जगह अछूती नहीं। बेहद ज्यादा संक्रामक माना जा रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। लॉकडाउन जैसी पाबंदियां नहीं होने के चलते संस्थानों में कोरोना ब्लास्ट जैसी स्थितियां बन रही हैं। ताजा केस सामने आया है अम्बाला नगर निगम से, जहां 35 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी संक्रमण की चपेट में आए हैं। उसी तरह हरिद्वार नगर निगम दफ्तर के भी 33 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं, तो इंदौर एयरपोर्ट पर एक ही दिन में 6 यात्री संक्रमित पाए गए। ये सभी दुबई जाने की तैयारी में थे। लगभग 2,047 मरीज नए पॉजिटिव पाए गए हैं और एक्टिव केस की अगर देखा जाए तो एक्टिव केसेस हमारे पास लगभग 13,368 हमारे अभी भी एक्टिव केसेस है। अगर बच्चों की बात करें तो क्योंकि कल 98 बच्चे हमारे पास पॉजिटिव पाए गए हैं, जो क्योंकि लगातार अब हमारे पास 2,000 से ऊपर ही आंकड़े चल रहे थे 2-3 दिन से, तो काफी इन्फेक्शन के चांसेस तो बढ़े हुए। देश और दुनिया में बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन हो जाने के बावजूद कोरोना संक्रमण का इतना तेज प्रसार साफ संकेत है कि वैक्सीन गंभीर बीमारी से तो बचा सकती है, लेकिन कोरोना से बचने की बस एक ही ढाल है और वो है मास्क। इसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारी और पुलिस सब मास्क लगाने पर पूरा जोर दे रहे हैं। इसलिए चेकिंग से बचकर भागने के बजाय आप भी चेहरे पर मास्क लगाकर कोरोना को भगाने की मुहिम के भागीदार बनिए, इसका शिकार नहीं। ए भाई मास्क पहन के चलो, आते ही नहीं जाते भी, जरूरी चीजें लेते भी, चलते ही नहीं बैठे भी। ए भाई तू जरा जान ले, ये कोई मामूली बुखार नहीं, मामूली जुकाम नहीं, सर्दी नहीं, खांसी नहीं, कोरोना है, और कोरोना एक संकट है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।